यह सही है कि जिलों में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की पदस्थापना पूरी तरह राजनीतिक होती है। यह दो महत्वपूर्ण कुर्सी उसी को मिलती है जिसको मुख्यमंत्री चाहती है। यह कोई नई और किसी एक राज्य की बात नहीं है, हर राज्य में ऐसा ही होता है, लेकिन झारखंड में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। धनबाद जैसे महत्वपूर्ण जिले में डीसी एसएसपी की पदस्थापना में राजनीतिक हस्तक्षेप की तो अति हो गई है। यह भी नहीं कि झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। यह गति तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री के शासन में भी जारी है। राज्य बनने के बाद बीते करीब 21 साल में धनबाद 37 डीसीएसपी को देख चुका है। एक दो अपवाद को छोड़े तो प्राय डीसीएसएसपी अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाते हैं। समय से पहले ही धनबाद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। संदीप सिंह ने धनबाद के नए डीसी और संजीव कुमार ने नए एसएसपी की पारी शुरू की है। अब देखना यह है कि दोनों कितने साल तक यहां रहकर जनता की सेवा करते हैं। झारखंड बनने के समय बी राजेंद्र धनबाद के उपायुक्त थे। उनकी पदस्थापना बिहार सरकार के समय हुई थी। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद विनोद किसफोटा की पोस्टिंग उपायुक्त के पद पर हुई। धनबाद में अजय कुमार सिंह की 2 बार पोस्टिंग हुई है। वे सबसे ज्यादा समय तक धनबाद में उपायुक्त रहे। दिसंबर 2019 में झारखंड में झामुमो गठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। हेमंत सरकार के 19वें माह के कार्यकाल में ही 3 डीसी बदल दिए गए थे। 15 जुलाई 2020 को हेमंत सरकार ने उमाशंकर सिंह को धनबाद का डीसी बनाया। यह 1 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके। अब संदीप सिंह को नया डीसी बनाया गया है। 6 जुलाई 2021 को सिंह ने धनबाद में योगदान दिया। अब देखना यह है कि धनबाद में नए डीसी कितने दिनों तक रह पाते हैं।